मैंने मंगवाया पॉम्पॉम वाला डब्बा। रुको सारा, रेनबो हेयर बैंड बना दो ना। तुम हंसने परी, तुम जाने जहां। ओके बाय। हे माय क्यूटीज, कैसे हो आप सब? दिस इज अदिति, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो मैं आपको बता दूं पहले से ही कि सबसे 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 ज्यादा इजीएस्ट ऑफ ऑल है, मतलब मैंने अभी तक जितनी भी लॉन्ग वीडियो बनाई है ना, उसमें से ये सबसे इजी है। कैसे बोल रही हूँ मैं, अभी बताती हूँ यार क्यों बोल रही हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। रुको सारा, सबर करो। तो ये देखो, मैंने मंगवाया पॉम्पॉम वाला डब्बा और आज हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ पॉम्पॉम क्राफ्ट्स। मतलब इतनी सारी करेंगे। और मुझे पता है कि आप लोगों को पॉम्पॉम बहुत पसंद है, मुझे भी पॉम्पॉम बहुत पसंद है, छोटी को भी पॉम्पॉम बहुत पसंद है। हाँ वही पॉम्पॉम। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कुछ एक्सेसरीज भी बनाएंगे और कुछ स्कूल क्राफ्ट भी बनाएंगे और बस यार बनाते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो क्या बोलते हो पब्लिक, शुरू किया जाए? मुझे पता है आप लोग एक्साइटेड हो, मैं आपसे ज्यादा एक्साइटेड नहीं, ये नहीं डिसाइड कर सकते आप ज्यादा हो नहीं, मैं पता नहीं, दोनों बहुत एक्साइटेड है। तो चलो सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो हमें मिले ये 5 आइटम्स, फटाफट से चेक करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास ये मैनुअल, और मैनुअल में देखे क्या क्या दिया है। हम एनिमल्स बना सकते हैं, कितने सारे, लाइक बटरफ्लाई फिंगर पपेट बना सकते हैं, स्वान बना सकते हैं, डक बना सकते हैं, हेन बना सकते हैं, स्नेक बना सकते हैं, फ्रॉग बना सकते हैं, बनी, मतलब एंडलेस चीजें बना सकते हैं। बट मैं ऐसा सोच रही हूँ कि हम ना यार एनिमल्स नहीं बनाएंगे, हम कुछ काम की चीजें बनाएंगे। लाइक एनिमल में क्या है यार, बस पॉम्पॉम जोड़ा, दो ऐसे बनी वाला है, कान निकाला, बनी बन गया, बट वो किसी काम का नहीं यार। तो मैं सोच रही हूँ कि आज जो हम क्राफ्ट करेंगे ना, वो काम की भी हो, यूजफुल चीजें हो। क्यों, सही बोला ना। नेक्स्ट है हमारे पास ये पाइप क्लीनर, और सच बताऊं तो मुझे नाम नहीं पता था इनका कि पाइप क्लीनर्स होते हैं, मैं इनको जूजू बोलती थी, बट पीछे लिखा हुआ है बॉक्स के कि ये पाइप क्लीनर्स है, तो मैं समझ गई हूँ कि इनका काम एक्चुअली होता क्या है, बट हम इनको क्राफ्ट में यूज करते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है, कि इन्होंने कुछ ग्लिटर वाले भी दिए और कुछ ऐसे नॉर्मल वाले भी, तो मतलब इन ऑल इन्होंने पैकेट जो बनाया, डब्बा जो बनाया, सब चीज का मिक्सचर बनाया और बहुत परफेक्ट बनाया है। नेक्स्ट है हमारे पास ये पॉम्पॉम का पैकेट, एंड अगेन आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, क्योंकि इन्होंने ना सारे साइज के पॉम्पॉम दिए हैं, विच इज वेरी गुड, मतलब स्मॉल मीडियम लार्ज सारे के सारे दिए हैं। तो भाई मजेदार इन्होंने एकदम डब्बा बनाया है। नेक्स्ट है ये गूगली आईज, और इसमें भी सारे साइज के दिए हैं। खैर मेरे पास गूगली आईज तो बहुत सारी पड़ी थी, बट ठीक है इस पार्सल में भी मिल गई, तो क्राफ्ट की चीजें यार कहाँ यार, हमेशा कम ही पड़ती जितनी मंगवा लो, तो मैं तो नहीं मना करने वाली ना, अगर दे रहे हो तो अच्छी बात है। और हमारे पास फेदर, और मेरा ना फेदर के साथ पिछले जन्म का कुछ प्यार है, पता नहीं यार बहुत पसंद है मुझे फेदर्स, और जैसे मैं कलरफुल फेदर्स देखती हूँ ना, मैं एकदम पागल सी हो जाती हूँ। मैंने एक और डब्बा देखा था पॉम्पॉम का, बट मैंने क्यों नहीं मंगाया, क्योंकि उसमें फेदर नहीं था और इस वाले में फेदर था, तो मैंने कहा कि मैं तो फेदर वाले ही मंगाऊंगी। और लास्ट में हमारे पास ये पॉप्सिकल स्टिक्स, तो ये भी इन्होंने कलर वाली दिए हैं, तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि पहले कलर करो और उसके बाद यूज करो, ये ऑलरेडी कलर्ड है, तो जो कलर चाहिए फटाक से उठाओ और बस यूज कर लो। और 1, 2, 3, 4, 5, 6 कलर्स हैं, तो ऑलमोस्ट रेनबो कलर है, दैट्स नाइस। गिन के 5 आइटम्स दिए, बट क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अमेजिंग है। तो गुरु ओके, तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी एक एक्सेसरी, सोचने दो हेयर बैंड बनाए, चलो लेट्स डू दिस। तो फटाक से एक पुराना प्लेन थिक हेयर बैंड ले लो। अब घर पे जो भी रिबन पड़ा ना, बस कोशिश करना थोड़ा सा ब्रॉड हो, तो मेरे पास ये ग्रे कलर का पड़ा था इसलिए मैं वो यूज कर रही हूँ। कॉर्नर को नीट रखने के लिए मैंने अंदर से भी फोल्ड कर दिया है, अब इसमें हमें जिगजैग ग्लू करते जाना, एंड दैट्स इट। वैसे तो मैं हेयर बैंड को ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए रिबन यूज कर रही हूँ, इन केस आपके पास रिबन नहीं है तो आप डायरेक्टली सिर्फ पॉम्पॉम भी ग्लू कर सकते हो। चलो तो मेरा बेस रेडी हो गया, अब इसके ऊपर मैं पॉम्पॉम ग्लू करूंगी। तो मैं ये वाला हेयर बैंड काफी कलरफुल बना रही हूँ, मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक कलर नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं सारे कलर्स यूज करने वाली हूँ। अदिति रेनबो हेयर बैंड बना दो ना। नहीं छोटी, रेनबो वाले कलर्स नहीं है, जो कलर्स अवेलेबल है उन्हीं को ग्लू करते हैं। वाओ यार, दिस लुक्स सो गॉर्जियस, मजा ही आ गया बनाते टाइम। इसको पहन के देखती हूँ कैसी लग रही है, ये तो एकदम ऐसी फील दे रहा है जैसे मैंने कोई कलरफुल क्राउन पहना हुआ है। छोटी इसी बात में मेरे लिए गाना हो जाए, तुम हंसने परी, तुम जाने जहां हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियां। क्यों इजी लग रही है ना क्राफ्ट्स,
मैंने बोला ही था कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इजी है, मतलब आप एक सेकंड में देखोगे ना तुरंत रिक्रिएट कर लोगे। ऑल्सो अगर आपके पास पॉम्पॉम्स नहीं है तो पॉम्पॉम आप मार्केट से ऐसे भी खरीद सकते हो, बहुत सारे मिलते हैं बहुत ही सस्ते दाम में। और अगर नहीं है तो आप घर पे भी बना सकते हो। मैंने कितनी बार आपको पॉम्पॉम बनाना सिखाया है वूल से, बस फोक लो फटाफट से राउंड मारो और बीच में एक नॉट टाई कर दो, फिर फटाफट से कट कर दो, बस यार पॉम्पॉम बन जाता है बहुत ही इजिली। ओके तो अब मैं नेक्स्ट सोच रही हूँ क्या बनाया जाए। नेक्स्ट ना कोई स्कूल सप्लाई बनाते बट क्या पेंसिल टॉपर। यस दैट्स अ नाइस आइडिया, क्योंकि हमारे पास है पाइप क्लीनर्स जूजू, जिसकी हेल्प से बहुत ही इजीली हम एक क्यूट सा पेंसिल टॉपर बना सकते हैं। तो चलो लेट्स डू दिस। मेरे पास लेड पेंसिल पड़ी थी तो मैंने वही उठा लिया, आप प्लेन पेंसिल भी ले सकते हो। बस यार फटाक से किट में से निकालो पाइप क्लीनर, मैंने रेड कलर का है तो मैचिंग निकाला है, और बस इसको राउंड एंड राउंड फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा कुछ स्प्रिंग के जैसा। ऑल्सो मैं सिंगल कलर यूज करी हूँ, आप चाहो तो दो कलर भी एक साथ यूज कर सकते हो। और हम ये सेम प्रोसेस फॉलो करके फिंगर पपेट भी बना सकते हैं, बस फिंगर के अराउंड राउंड एंड राउंड करना है। चलो तो हमारा बेस फिर से रेडी हो गया है, अब इसमें सिर्फ एक पॉम्पॉम ग्लू कर देना। तो मैंने मैचिंग रेड कलर का ही निकाला है। ए छोटी बहुत गंदी बात यार, ये तो एकदम ही टूई हो रहा है, और इसमें गूगली आंखें लगा के मैं इसको जान दे दूंगी। क्या बात है, हमारा पेंसिल टॉपर तो रेडी हो गया। चलो इसको एक बार लिख के देखते हैं। ये मेरी बाबा एडम जमाने की एंटीक डायरी निकाला है मैंने, और ये जो लिख रही हूँ ना कुछ दिख नहीं रहा। टडा, हमारा पोपो रेडी हो गया। इसको मैंने नाम दे दिया पोपो, और ये कावे क्यूट है। पोपो तुम तो बहुत क्यूट हो। हूँ तो क्या कर लूंगी, मैं तो बोल ही रही हूँ कि तुम बहुत क्यूट हो। पोपो रेड है ना इसलिए वो भड़क गए, उनका खून खोल गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैं ध्यान रखूंगी कि मैं रेड कलर का कुछ नहीं बनाऊं। ओके तो नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं एक क्यूट सा और बहुत ही सिंपल सा बुकमार्क, जो कि अगेन होने वाला है स्कूल सप्लाई। तो मैंने बोला ही था कि मैं एक्सेसरीज बनाऊंगी और स्कूल सप्लाईज बनाऊंगी, तो हमने एक एक्सेसरी बना ली, हमने एक स्कूल सप्लाई बना लिया। तीसरा जो हम बनाने वाले वो भी है स्कूल सप्लाई। बुकमार्क के लिए तो एकदम जीरो मेहनत करनी है, बस ग्लू करते जाओ एंड दैट्स इट। तो अब बारी आ गई पॉप्सिकल यूज करने की। मैं यूज कर रही हूँ ब्लू कलर की, मतलब ये जो बुकमार्क है ना ये ब्लू कलर का बनने वाला है। सारे फेदर मैंने कॉम्बिनेशन ले लिए ब्लू कलर के। तो देखो पॉप्सिकल में बस फेदर ग्लू किया, फेदर में पॉम्पॉम और पॉम्पॉम में गूगली आंखें, मतलब ये ग्लू गेम है बस। दीदी ग्लू गेम एकदम वो है टंग ट्विस्टर। भप छोटी तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रही हो लग रहा है आजकल। चलो भाई तो इधर से उधर उधर से इधर सब कुछ चिपकाने के बाद हमारा बुकमार्क एकदम रेडी हो गया। चलो एक बार इसको लगा के देखते हैं बुक में कैसा लग रहा है। बुक नहीं एक्चुअली डायरी रखी मेरे पास। यार ये तो काफी क्यूट लग रहा हो। हमारे टाइम पे कोई कार्टून आता तो उसका नाम नहीं याद आ रहा, एग्जैक्टली वैसा ही लग रहा है। तो हमारी टिया भी रेडी हो गई, मैंने इसको नाम दिया टिया क्योंकि काफी ज्यादा खूबसूरत मतलब ब्यूटीफुल है ना टिया। हाँ दीदी सुंदर तो हूँ पर तुमसे कम। ओह टिया यू आर बीइंग वेरी स्वीट, थैंक यू। चलो तो हमने दो स्कूल सप्लाई बना लिया है बट एक ही एक्सेसरी बनाई है, तो मतलब एक एक्सेसरी तो और बनाना ही पड़ेगा ना। ओके लेट मी थिंक, मैं सोच रही ना कि पॉम्पॉम की कुछ हेयर एक्सेसरी बनाते हैं, जैसे हेयर बैंड बनाया था तो अब क्या बची, ऑफकोर्स हेयर क्लिप बची, तो चलो हेयर क्लिप बनाते हैं, वो भी बहुत ही क्यूट सी और खूबसूरत सी। तो मेरे पास ऑलमोस्ट सारे कलर्स के टिक टैक क्लिप पड़े हुए हैं, और ना इसमें भी बस पॉम्पॉम ग्लू करना है। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम सिर्फ पॉम्पॉम को ज्यादा यूज कर रहे हैं, बाकी वीडियो में लाऊंगी जिसमें पाइप क्लीनर्स वगैरह भी यूज करेंगे। तो फ्रंट में जल्दी से दो बेबी पिंक और बैक में एक डार्क पिंक ग्लू कर देंगे, और ये क्यूट सी हेयर क्लिप रेडी है। दीदी तुमने दोनों अलग अलग क्यों बनाए हैं? छोटी क्योंकि हमारे पास पिंक अलग है, लिमिटेड पॉम्पॉम्स हैं। ये क्लिप तो क्यूटी पाई लगी रही है और इसको लगा कि मैं भी क्यूटी पाई लग रही हूँ। ऐसे सॉफ्टी सॉफ्टी सी फीलिंग नहीं आ रही, मतलब ऐसे वो वाली आइसक्रीम जो होती है सॉफ्टी वाली। ओए होए अब हुआ ना मेरा लुक एकदम एनहांस और कंप्लीट क्यूटी सा। बट मैंने ऐसे डिसाइड नहीं किया था कि मैंने ऐसे ब्लू आउटफिट पहनने वाली हूँ, नहीं तो मैं ब्लू कलर की बना लेती, बट ये ब्लू कलर का तो हमने बुकमार्क बना ही लिया है, तो मैंने सोचा कि पिंक कलर की हेयर क्लिप बना लेते हैं, रेड कलर का हमारे बन गए हैं पोपो जी, और कलरफुल हेयर बैंड, तो मतलब हमने सारे कलर्स यूज कर लिए ऑलमोस्ट। नाइस, वेरी नाइस। ओके तो मैं इसको भी जल्दी से थोड़ा सा फ्लॉन्ट कर ही लेती हूँ। तो चलो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, और मैंने बोला था ना इजी क्राफ्ट है, आपको भी इजी लगी होगी क्योंकि ये सच में बहुत ही इजी है, बस चिपकाते जाओ एंड डन, इतनी इजी है। तो चलो इसी बात में जल्दी से कमेंट में बता दो कि आपको चारों में से सबसे अच्छा क्या लगा, क्या आपको हेयर बैंड अच्छा लगा या फिर हेयर क्लिप या फिर पेंसिल टॉपर, नहीं नहीं बुकमार्क। ओके गाइस आज की वीडियो तो इतनी ही थी, आई होप आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल 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 भी मत भूलना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कैसे यार, क्यों यार, ठीक है नहीं पूछ रही हूँ, नहीं किया तो जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर लो,
और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इम्पोर्टेंट अपडेट मिस नहीं करना है, वीडियोस मिस नहीं करना है, हर संडे वीडियो देखना है, हर रोज शॉर्ट देखना है, इसलिए बेल बटन दबाते हुए जाओ। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, सी या, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।